सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर एक कस्टम स्किन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस, अगर आप अपनी कस्टम स्किन को सिलेक्ट करने से पहले माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर साइन इन कर लोगे तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको जो मार्केट प्लेस है वो ओपन हो जाएगा, आपको अचीवमेंट्स मिल जाएगी जिससे आपको और भी ज्यादा कस्टम स्किन्स फ्री में देखने को मिल जाएंगी। और बाकी गाइस, आपको अगर साइन इन करना आता है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर आपको साइन इन करना नहीं आता तो मैं पहले इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं जिसका जो लिंक है वो आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएगा, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अभी हम चलते हैं सीधा मेन प्रोसेस की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की होम स्क्रीन के ऊपर आपको अपने कैरेक्टर के नीचे ड्रेसिंग रूम नाम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पे क्लिक करते ही आप लोग पहुंच जाओगे इस वाले पेज के ऊपर। अब आपको यहाँ से या तो एडिट कैरेक्टर पे क्लिक कर देना है या फिर लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड नंबर पे आपको जो हैंगर देखने को मिल रहा है ग्रीन कलर का, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और आप पहुंच जाओगे गाइस इस वाले क्लासिक स्किन्स के पेज के ऊपर। अब यहाँ पे आपको मार्केट प्लेस से आपने जितने भी डाउनलोड किए स्किन्स या फिर जो भी आपको फ्री में मिली है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको क्रोम से कोई भी स्किन डाउनलोड कर लेनी है और यहाँ पे आपको ओन स्किन पे क्लिक करके चूज न्यू स्किन पे क्लिक करना है और फिर गाइस आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी जहां से आपको अपनी स्किन को सिलेक्ट कर लेना है। जो स्किन है वो इस वाले फॉर्मेट में होनी चाहिए जो कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर अभी शो कर रहा हूं। बाकी गाइस, जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे आपका जो माइनक्राफ्ट वो अपने आप ही ओपन हो जाएगा। एंड गाइस, जैसे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की लोडिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है आपके पास कुछ ऐसा पॉपअप आ जाएगा स्किन टाइप पे, जिस पे या तो आपको राइट हैंड साइड वाली स्किन को सिलेक्ट कर लेना है जो कि थोड़ी सी थिक आपको देखने को मिलेगी, आपका कैरेक्टर थोड़ा सा थिक हो जाएगा, या फिर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाली स्किन को सिलेक्ट करते हो तो आपका जो कैरेक्टर वो स्किनी हो जाएगा। तो वैसे तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ राइट हैंड साइड वाला, लेकिन आप लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी गाइस, यही था हमारा मेन प्रोसेस। आपका जो कस्टम स्किन है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं, अब आपको सिंपली बैक कर देना और आप यहाँ से अपने माइनक्राफ्ट को प्ले कर सकते हो। बट गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप खुद के कैरेक्टर इन्वेंट करो इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉपिंग इट फ्रॉम क्रोम, तो आप वो भी यहाँ पे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में डायरेक्टली कर सकते हो। आपको किसी भी एडिशनल ऐप की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने कैरेक्टर को कस्टम आइटम्स इक्विप करा रखे हैं जो कि मेरे को अचीवमेंट्स पूरी करने पे मिले थे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आइटम्स फ्री में देखने को मिलेंगे जो आपको अचीवमेंट्स पूरी करने पे मिलेंगे। तो आप देख सकते हो जो ये हमारा क्राउन है ये मेरे को सिंपली डायमंड आयरन पिकैक्स से माइन करने पे फ्री गिफ्ट मिला था, मतलब आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है। तो बाकी आपको मैं यहाँ पे पूरे के पूरे ऑप्शन दिखाया, तो आपको सिंपली यहाँ पे एडिट कैरेक्टर पर क्लिक करना होता है और आप यहाँ वाले इस वाले पेज पर आ जाओगे और यहाँ पे गाइस आपको टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे इसका आई कलर चेंज कर सकते हो, बॉडी कलर चेंज कर सकते हो और इसको आइटम्स भी इक्विप करा सकते हो। तो आप यहाँ पे इसका सिंपली एक मॉन्टाज टाइप देख सकते हो जैसे कि मैंने अपने कैरेक्टर को क्रिएट किया। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Here we go guys, मैंने 10-15 मिनट्स लगा के अपने कैरेक्टर को पूरी तरीके से बना लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब मैंने इसमें कुछ ज़्यादा कस्टमाइज नहीं किया, सिर्फ इसके कपड़े ही चेंज किए, बट ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और आप माइनक्राफ्ट में बिल्कुल फ्री में माइनक्राफ्ट के इनबिल्ट टूल्स को यूज़ करके अपनी स्किन को भी ऐसा बढ़िया सा बना सकते हो। सो गाइस, यही थी हमारी आज की वीडियो। होप करता हूँ कि आपको वीडियो देखने में मजा आएगा और इससे आपकी हेल्प भी होगी। तो गाइस, अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया तो गाइस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।